मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं भी अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे और खुदा ने मैं एक दिन और दिखाया उसके लिए शुक्रिया अदा। आज ऑफिस नहीं गई क्योंकि आज थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बीपी कल बहुत ज़्यादा दिखा रहा था, तो मैंने कहा चक्कर में आ जाए, तो इस चक्कर में आज मैं नहीं गई हूँ। आज रेस्ट करूँगी थोड़ा सा, सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हूँ, तो मैं सोची थोड़ा रेस्ट करूँगी। पपीता पपीता खाया है मैंने, तो मिलते हैं फिर आपको बाद में। देखो दोस्तों, मैंने थोड़ा सा देसी घी लगाया, मेरे को दिमाग में आया कि अरे सर में दर्द हो तो मैं देसी घी लगाऊं, तो मेरे पास बहुत पुराना देसी घी पड़ा हुआ था, मुझे भी किसी ने दिया था, तो मैंने वो सर पर लगाया, तो अब थोड़ा सा आराम मिला है मुझे। तो फिर मैंने भी थोड़ा नाश्ता भी कर लिया और मैं पी लूँ अपनी ब्लैक टी। ये मेरी ब्लैक टी, तो मुझे काली चाय बहुत पसंद है, तो मैं काली चाय बहुत पीती हूँ। मतलब दूध वाली भी पसंद है, लेकिन दूध वाली से ज़्यादा गैस हो जाती है, और दूध वाली पी रही हो तो उसका इतना रस फैन बिस्किट होना चाहिए तो अच्छी लगती है, बट मैं नाश्ते के साथ यही पीती हूँ अपना। सुबह भी अपने ऑफिस में यही चाय लेके जाती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है, और इतना इससे गैस बनती है। बस एक तरह से गर्म पानी होता है, मैं चीनी लेती नहीं हूँ, मैं खांड जो होती है ना वो लेती हूँ, वाइट वाली खांड, वो बड़ी अच्छी होती है। तो अभी नाश्ता वास्ता किया है, थोड़ा सा देखते हैं टीवी भी देखती हूँ, थोड़ा अपना मैं दिमाग फ्रेश करती हूँ। आप सोचती छुट्टी क्यों करी, चली जाती तो अच्छा था, लेकिन ठीक है, एक दिन आराम भी होना बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में पहले मैं बड़ी छुट्टियाँ कर लेती थी आराम करने के लिए, अब नहीं करती इतनी, क्योंकि पहले मन करता था कि अंदर छुट्टी करो, आराम करो, थोड़ा सा अकेले समय बिताओ, तो मुझे अकेले समय बिताना बहुत पसंद है। वैसे मैं सबके साथ समय बिताना सब समय पसंद है, पूरी फैमिली हो, रिश्तेदार हो, अच्छा लगता है, लेकिन जब कभी कभी मैं उदास होता तो मैं अकेली होती हूँ। मेरे शुरू से ही है, मैं अकेले छुट्टी कर लेती थी और अकेले बैठती थी, अकेली खुदा से बातचीत करती रहती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, दुनिया में ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो होता है ना, जैसे अपने माँ बाप के लिए समय निकालते हैं, तो वैसे ही मैं अपने परमेश्वर के लिए समय निकालती हूँ बात करने के लिए, क्योंकि वो मुझे राय देते हैं, वो मुझे समझाते हैं, वो मुझे तसल्ली देते हैं। तो हमारा खुदा तो जिंदा है, तो इसलिए हम उनसे बात करते हैं। तो इसलिए हर अपना मौन व्रत, मतलब शांत रह के अपनी आत्मा से खुदा से बात करना, तो बहुत ज़रूरी है। हमेशा कभी कभी छुट्टी लेनी चाहिए आप लोगों को भी, अकेले बैठो और बातें करो, बहुत अच्छा लगता है। चलो मैं चाय पी लेती हूँ। चलो दोस्तों, अभी आज तो सुबह नाश्ता ही किया था और सो गई थी, और अपना सर बहुत दर्द हो रहा था तो बांधा और सो गई। थोड़ा सा अपने अपनी मैंने कहा अंदर अंदर बातें करती रही, कहते हैं कोई इंसान ना बात करे तो अंदर अंदर बात करते रहो तो भी अच्छा होता है। तो बस उठी अभी थोड़ी देर, सोचिए अब खाना क्या बनाना, खाना तो औरत चाहे बीमार हो कुछ भी हो, खाना तो खाना बनाना ही बनाना है। तो अभी आजकल खुशी के पेपर भी चल रहे हैं, अगर खुशी को कुछ बोले तो वो तो उसको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है, ऐसे भी वो बना नहीं पाती है, अभी उसको सिखाया नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें बना लेती है वो, पर काफ़ी चीज़ें नहीं बना पाती है, सारी का भी चाहिए रोटी वोटी बना लेती है, तो सब्ज़ी तो मैं ही बनाती हूँ। तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा घिया बना लेती हूँ, और घिया का रायता, घी की सब्ज़ी और घिया का रायता, तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, तो बीपी भी ना हो भी ठीक है। तो मैं सोचती हूँ उसके थोड़ा काम वाम करूँ, आज ब्लॉग भी ढंग से नहीं बनाया, कुछ भी नहीं करा, तो बस चलो चाय पी लेते हैं अपनी ब्लैक टी, तो पीते हैं फिर बात करते हैं आपसे। देखो दोस्तों, हमारे बालकनी में इतने पत्ते झड़ते हैं, तो सारी का झाड़ू लगा रही है, रोज़ इतने पत्ते झड़ते हैं, तो ये पत्ते चढ़ रहा है, कुछ पेड़ों के पत्ते आ गए, कुछ पत्ते लेट आते हैं, जैसे पीपल हो गया, बड़ हो गया, उनके पत्ते अब आ गए, तो वो झड़ रहे हैं सारे पत्ते, देखो थोड़े यहाँ पत्ते पत्ते हैं हमारे यहाँ, और कोई बच्चे खेल भी रहे हैं, ये देखो दोस्तों। मैं बना रही हूँ, मैंने बताया था घिया और रायता, तो मेरी तबीयत अभी थोड़ी ठीक है अब बिल्कुल, तो मैं सोची मैं नहा भी लेती हूँ, ये सब मैं सर में तेल घी हो गया है,
लड़की से मालिश कर रही थी तो मैं नहा लेती हूँ थोड़ी देर में। सो रही है अभी आराम से और रात को तंग करेगी ये भी। आज एक ब्लॉगर है वो भी, तो मैं उनका ब्लॉग देखती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है, कुछ कुछ लोगों का ब्लॉग देखती हूँ मैं, तो उनका नाम नहीं लूँगी मैं क्योंकि वो गन्ना खा रही थी तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि वो गन्ना खा के बाहर फेंक रही थी, तो मैंने उनको लिख दिया कि देखो डस्टबिन हमेशा अपना पॉलिथीन अपनी गाड़ी में रखिए और जो भी आप खा रहे हैं उस पॉलिथीन में डालिए ताकि बाहर मत फेंकिए। अगर आप एक ब्लॉगर हो तो यूट्यूब कर रहे हो तो आप थोड़ा आपको एक अच्छे तरह से भी रहना चाहिए ताकि आप दूसरों के लिए एग्जांपल बनो, है ना। साफ़ सफाई के मामले में भी, हर चीज़ के मामले में, डिसिप्लिन के मामले में भी। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं ये चीज़ नोटिस बहुत करती हूँ लोगों की, क्या मेरे भी लोग करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। देखो हम कहीं भी निकल रहे हैं, अगर हम बाहर भी जा रहे हैं, मेरी गाड़ी में हमेशा पॉलिथीन होती है, मैं डस्टबिन बिल्कुल बाहर नहीं डालती हूँ। एक तो हम सफाई वाले लोग हैं, कोई बात नहीं, सफाई वाले तो ये छोटी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैंने बहुत देर नोटिस किया कि तुम फट कूड़ा खा रही हो और बाहर फेंक रही हो ना। देखो सबको अच्छा लगता है कि साफ़ सफाई रहना, तो हमारे देश भी सफाई रहना चाहिए ना, हमें अपने देश को भी खुद सफाई रखनी चाहिए। आप देखो बाहर देश में चले जाओ कितना डिसिप्लिन है वहाँ पर, वो लोगों को बचपन से उनको सिखाया जाता सफाई के मामले में। अब इसमें पढ़े लिखे अनपढ़ की बात नहीं है, ये सफाई के मामले में उनको सिखाया जाता है कि हमें डस्टबिन में कूड़ा डालना है, हमें बाहर नहीं डालना, हमारा देश साफ रहेगा तो हमारे देश को पहचान मिलती है। तो देखो उनके देश को पहचान मिलती है, कितना क्लीन रहता है वो, एकदम साफ रहता है। तो वही मैं आपको समझा रही हूँ कि उसको मैंने लिख दिया, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको लोग लाखों करोड़ों लोग आपको देखते हैं और आपसे कुछ अच्छी बातें सीखते भी हैं। तो यही मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आप कहीं भी जाएं अपना डस्टबिन में कूड़ा डालें, अपनी गाड़ी में भी है तो उसमें पॉलिथीन रखें, उसमें खाएं और उसमें डाल दें, अगर आपको कोई डस्टबिन देखता है वहाँ डाल दीजिए। तो भाई मैंने तो लिख दिया कि मुझे बुरा लगा, तो मैंने तो लिख दिया। और बहुत ही मशहूर है, उनका नाम नहीं लूँगी मैं, बहुत मशहूर ब्लॉगर है, मैं उनका नाम नहीं लेती हूँ क्योंकि नाम लेना अच्छी बात नहीं है। बस मैं वो अगर मेरा ब्लॉग देख, पहली बात मैं ब्लॉग नहीं देखी, मैं तभी नहीं आई हूँ, मेरा ब्लॉग तो मुश्किल ही देखेंगे, लेकिन फिर भी जो और लोग देख रहे हैं उनको, भाई मैंने तो लिख दिया उनके लिए कि भाई प्लीज़ मैम आप अपना गाड़ी में घूम रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, अपना पॉलिथीन में कूड़ा डालिए और कहीं भी आपको डस्टबिन मिले वहाँ डाल दीजिए। क्योंकि अगर हमने देखो कोई गाड़ी से थूकता है तो भी मुझे बड़ी खुंदक चढ़ती है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, यार ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, क्यों नहीं देखते हैं कि भाई अच्छी एक इंसान परेशान है, बीमार है, अगर वो उल्टी करे उसकी बात अलग है। आपने देखा है बाहर देश में उल्टी करते हैं वो डस्टबिन में करते हैं, मतलब वो इतना डिसिप्लिन वाले लोग हैं, कितना अच्छे से रहते हैं वो लोग, हर चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं, अपना टाइम टेबल को लेके बहुत वो रहते हैं वो अपना, कभी भी उन्होंने लेट नहीं पहुँचना। तो वही मैं सिखा रही हूँ कि भाई सच में हमें ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं हमारा, अगर टाइम निकल गया तो हमारी लाइफ कुछ नहीं बन पाती है। तो वही मैं बता रही, तो आज उनको मैंने बोला, शायद उनको बुरा लगा होगा लेकिन मेरे को जो लगा तो मैंने बोल दिया। अगर मैं भी कुछ गलतियाँ कर रही हूँ तो आप लोग मुझे बोल सकते हो भाई मैं ये गलती कर रही हूँ, तो मैं उस चीज़ में ऐसे चेंज हो जाऊँगी, उस चीज़ में बदल जाऊँगी मैं। तो मिलते हैं, चलो आपको बाद। दोस्तों मैं चलती हूँ रिलायंस, थोड़ा दूध दूध ले आती हूँ, दूध नहीं है घर में, टमाटर प्याज भी नहीं है, तो काफ़ी टाइम से जा नहीं रही पे जा पा रही थी, तो मैं चलो अब चलती हूँ, थोड़ा थोड़ा सामान ले आती हूँ। चलो हमारे घर के पास में है रिलायंस, तो वहाँ तक तो चले जाती हूँ पैदल पैदल, हमेशा इतना सामान ले लेती हूँ, लाती हूँ थोड़ा लूँगी और फिर ज़्यादा हो जाता है, मुझसे उठाया नहीं जा रहा है, रवि को बुलाया है मैंने यही हूँ। और ये कैसे देख रही है, इसको हड्डी भी दे दी है फिर भी यहीं पर, इसको इसका सूप बड़ा पसंद है। घुस गई सारे का एक प्लेट दी छोटी, हड्डियाँ निकाल देती हूँ, इसको सूप के साथ अच्छा लगता है। चलो दोस्तों खाना पीना हो गया है तो चलते हैं सोने के लिए, ठीक है। कल तो आज तो छुट्टी करी मैंने, तो मैंने सोचा आज मेरे को नींद आ रही है क्योंकि मैं
दवाइयाँ खाई हैं और मेरे को नींद आ रही है, तो चलते हैं दोस्तों। गुड नाइट, ज़्यादा बात ना करते हुए करती हूँ गुड नाइट, और खुद आप लोगों को बहुत अच्छे से रखे, संभाल के रखे, और कज़िन दरा तो ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।